फ्रेंड्स, मैं आज आपको लेकर आया हूँ श्री सांवरिया सेठ, श्री सांवरिया धाम करनावर, जो कि दौसा के बसवा कस्बे में है। और दौसा जो है ये राजस्थान का एक बहुत ही बड़ा शहर है। तो चलते हैं इस धाम में आगे की तरफ, जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ है। हेलो गाइस, मैं आज आपको लेकर आया हुआ हूँ राजस्थान के बसवा कस्बे में, जो कि दौसा ज़िले में पड़ता है। और यहाँ पर पड़ता है एक सुप्रसिद्ध धाम जिसका नाम है श्री सांवरिया धाम करनावर, जो कि एक गांव है करनावर, इसमें ये पहाड़ों के पास में ही ये धाम है। तो चलिए मैं अब आपको लेकर चलता हूँ, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने देख सकते हैं श्री सांवरिया धाम आ चुका है, और श्री सांवरिया जी का मंदिर है, श्री कृष्ण जी का ये दरबार है। तो चलते हैं इस मंदिर में, देख सकते हैं मंदिर के चारों ओर पहाड़ियां हैं, अरावली की ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और ये एक कच्चा रास्ता है जो कि राजस्थान के बांदीकुई शहर के पास में पड़ने वाले बसवा कस्बे के निकट ये टेंपल है। देख सकते हैं मंदिर के पास में यहाँ हवन कुंड बनाए हुए हैं। मंदिर के बाहर ही देख सकते हैं यहाँ पर हवन यज्ञशाला है, और इसी मंदिर के बगल से ही एक रास्ता आ रहा है जो कि पहाड़ों में से होकर गुजरता है ये रास्ता। चलो मंदिर में अंदर की तरफ चलते हैं, इस धाम को मैं अंदर से दिखाने वाला हूँ आपको। मंदिर में सीढ़ियाँ हैं जो काफ़ी पुरानी लग रही हैं। मंदिर में धर्मशालाएं बनाई हुई है, लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। करनावर धाम काफ़ी फेमस धाम है, और राजा महाराजाओं की रियासत के समय ही इस धाम का निर्माण करवा दिया गया था। करीबन 200 साल पुराना ये टेंपल है, और यहाँ पर ही श्री साधु संतों की एक तपोस्थली है। यहाँ पर देख सकते हैं एक धर्मशाला बनाई हुई है, यहाँ पर जब भी कभी प्रसादी का भंडारे का आयोजन होता है तब यहाँ पर लोग आते हैं और इस जगह पर बैठते हैं। मंदिर में देख सकते हैं यहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। दूर से ही मंदिर काफ़ी सुंदर लग रहा है। अंदर श्री कृष्ण राधे का मंदिर है, और एक प्राचीन बरगद का पेड़ भी यहाँ पर लगा हुआ है। मंदिर परिसर काफ़ी बड़ा है, और पीछे की साइड जंगल है, पहाड़ हैं, लोगों के पानी की व्यवस्था की गई है। खुद ही महसूस कर सकते हैं कि ये धाम कितना पुराना होगा। इस धाम का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। तो चलते हैं वह अंदर मंदिर की तरफ। मंदिर में जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ पर प्राचीन शिवलिंग है जो आपको दिखाई दे रहा है, भोलेनाथ जी का प्राचीन मंदिर है। और आप देख सकते हैं इस धाम के अंदर ही पहाड़ों में एक श्री गणेश जी का मंदिर है जिसका रास्ता इसी धाम से होकर जाता है। चलते हैं श्री कृष्ण के दरबार में, बहुत ही प्यारा मंदिर है ये, बहुत ही पुराना धाम है, अच्छा लग रहा है, काफ़ी बड़ा बरामदा है। मैं अभी कुछ देर के लिए साइलेंट होने वाला हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण देवाय नमः। दोस्तों, इस मंदिर में अखंड ज्योत हमेशा जलती रहती है। राजस्थान के बसवा कस्बे से करीबन 25 किलोमीटर दूर है, और अलवर से करीबन 60 किलोमीटर दूर है, और बांदीकुई के पास में ही ये धाम पड़ता है। उसी साइड आने पर हमें यहाँ पर दत्तात्रेय महाराज का मंदिर और आश्रम दिखाई दे रहा है। लाल रंग से काफ़ी सुंदर ढंग से इस आश्रम को बनाया हुआ है। यहाँ पर एक नागा बाबा है जो कि रहते हैं। ये आश्रम है, काफ़ी पुराना है, ऊंचाई पर ये जो मंदिर है ये काफ़ी लोगों को आकर्षित कर रहा है।
देख सकते हैं मंदिर काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मैं अब अंदर में मंदिर में आपको महाराज जी के दर्शन कराने वाला हूँ। चलते हैं इस मंदिर में। कितनी सुंदर छवि है, कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे भगवान। महाराज जी की प्रतिमा बड़ी ही सुंदर लग रही है, और मंदिर को बड़े ही शानदार ढंग से इस श्री सेठ सांवलिया धाम में बनाया गया है। इस धाम के अंदर ही श्री श्याम जी का दरबार है और श्री कृष्ण राधे की मूर्ति है, और अंदर ही जब मंदिर में जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सुंदर बरामदा है। मंदिर प्रांगण बहुत ही बड़ा है और मंदिर के अंदर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है, लेकिन ये जो मंदिर है ये अरावली की पहाड़ियों में पड़ता है। कर्णावर का ये जो मुख्य धाम है ये अपने आप में ही लोगों को आकर्षित करने वाला है। लाखों भक्त साल में यहाँ पर आते जाते हैं, और इस टेम्पल के अंदर आने पर हमें दिखाई देता है कि इस टेम्पल के अंदर मुख्य रूप से श्री श्याम का दरबार सजाया हुआ है। बहुत से हिंदू देवी देवताओं की यहाँ पर मंदिर बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको कैसे लगी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।